हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपजा नुस्खे में। हम उपजा नुस्खे में डेली लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपजा नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। वास्तु अनुसार गरीबी और दुर्भाग्य बढ़ाती हैं आपकी ये आदतें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखें तो आपको नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के साथ साथ आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहेगी और साथ ही इसके अलावा घर में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता ही नहीं रहता है। अगर आप वास्तु से जुड़ी इन बातों को हमेशा फॉलो करें तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वास्तु अनुसार गरीबी बढ़ाने वाली कुछ आदतों के बारे में। तो जाने ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको सक्सेस होने से रोकती हैं। वास्तुशास्त्र टिप्स 1। जी हाँ दोस्तों, वास्तु अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस भी अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या कोई भी कीमती सामान रखते हैं तो ध्यान रहे कि उसके पीछे या उससे सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना धन की हानि करवाता है। जी हाँ, ऐसा करने से आपके घर में भी सुख शांति नहीं रहती और आपको आए दिन धन संबंधी हानि होती रहती है। इसलिए ध्यान रखें कि अलमारी या तिजोरी से झाड़ू सटाकर या फिर उसके पीछे कभी भी ना रखें। वास्तुशास्त्र टिप्स 2। वास्तु अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किचन में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है और आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। वास्तुशास्त्र टिप्स 3। वास्तु अनुसार बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को अनावश्यक खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर दुकान में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है, जिस कारण आपके घर का माहौल भी सही नहीं रहता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। वास्तुशास्त्र टिप्स 4। कई बार घर में छोटे बच्चे दीवारों व जमीन को पेंसिल या पेन से लिखकर गंदा कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि घर की दीवारों एवं फर्श पर बच्चों को पेंसिल या चौक या कोयले से लकीरें ना बनाने दें। वास्तु अनुसार ऐसा माना जाता है कि इससे खर्चे और उधारी पड़ती है। वास्तुशास्त्र टिप्स 5। घर में सुख समृद्धि के लिए तथा धन लाभ के लिए घर के दक्षिण दिशा में एक्वेरियम या पानी से संबंधित कोई मूर्ति या शोपीस कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आमदनी कम होती है और खर्चा भी बढ़ता रहता है। वास्तुशास्त्र टिप्स 6। वास्तु अनुसार घर दुकान के उत्तर पूर्व दिशा को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ हमेशा साफ सफाई करते रहनी चाहिए। अगर आपका घर या दुकान गंदे होंगे तो लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ, घर में गंदगी होने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र टिप्स 7। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा होने से घर में कलह, आर्थिक परेशानी और दूसरी कई तरह की उलझने आती रहती हैं। वास्तुशास्त्र टिप्स 8। वास्तु अनुसार ऐसा माना जाता है कि घर में कांटे वाले, दूध निकलने वाले और विषैले पेड़ पौधों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।